हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता खन्ना आज आपको पिस्ता फ्लेवर कोकोनट मावा बर्फी की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है और 2 कटोरी मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और 3/4 कटोरी मैंने पाउडर शुगर लिया है। उसके अंदर ही मैंने 2-3 इलायची पीस ली है और थोड़ा सा मैंने पिस्ता इमल्शन लिया है। पैन में मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया है, उसे मैं मीडियम गैस पे 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करूंगी। मैंने इसे 1 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए भून लिया है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर मावा डाल रही हूँ। और इसके अंदर पाउडर शुगर डाल रही हूँ। इन सबको मैं अभी अच्छी तरह मिक्स करूंगी। गैस को मैंने स्लो ही रखा है। हमारी शक्कर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। मैंने इसे कंटिन्यूस चलाते हुए 1-2 मिनट तक और भून लिया है। अब ये मिक्सचर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और उसके अंदर पिस्ता इमल्शन मिक्स कर रही हूँ। पैन को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता इमल्शन डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैंने इसके अंदर 2-3 बूंद और पिस्ता इमल्शन डाला है और इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ट्रे के अंदर सेट करूंगी। ट्रे को मैंने घी लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कोकोनट का मिक्सचर डालूंगी। मैंने मिक्सचर को ट्रे के अंदर जमा दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने रख रही हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसके पीसेस कट करूंगी। बर्फी हमारी सेट हो गई है। अब मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूँ। हमारी बर्फी खाने के लिए रेडी है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।